भिंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और आगामी नगरीय निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर कलेक्टर ने जिले के समस्त लाइसेंसी हथियार पुलिस थानों में जमा कराने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं अपने अपने हथियारों को जमा कराने के लिए कलेक्टर ने रविवार 5 जून तक की मोहलत दी है। चंबल क्षेत्र का नाता हमेशा बंदूक और बारूद से रहा है और यही कारण है कि इस क्षेत्र में जिले में जब भी कोई चुनाव आयोजित होते हैं तो मतदान के दौरान हथियारों से हिंसा की घटनाएं सामने आती ही रही हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में 7 साल बाद आयोजित होने जा रहे पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी पुलिस और प्रशासन सतर्क है। भिंड में हथियारों का उपयोग चुनाव को प्रभावित करने के लिए ना हो सके, इसके लिए भिंड कलेक्टर ने जिले के सभी बंदूक लाइसेंसधारियों द्वारा 5 जून तक उनके हथियार अपने अपने थाना क्षेत्रों में जमा कराने का समय दिया। वहीं पुलिस थानों में इन दिनों बंदूक थामे लोगों की लाइन और भीड़ जुटी हुई है। हर थाने का 2/3 स्टाफ इन बंदूकों को जमा कराने में लगा हुआ है। भिंड एसपी ने बताया कि भिंड जिले में करीब 22,000 से अधिक आर्म्स लाइसेंस और बंदूकें हैं, जिनमें से अधिकतर लाइसेंसी हथियार पुलिस थानों में जमा हो चुके हैं। क्योंकि चुनाव के दौरान मतदान प्रभावित करने के लिए उपयोग होने वाले हथियार ज्यादातर अवैध होते हैं और ऐसे में पुलिस ने इस परेशानी से निपटने के लिए भी प्लानिंग की है। इसके साथ ही जिले से लगे उत्तर प्रदेश सहित और अन्य जिलों के प्रदेशों की सीमाओं पर नाके भी स्थापित किए गए हैं, जिससे बाहर से अवैध हथियारों की तस्करी ना हो सके। वहीं जिले भर में अवैध हथियारों की सप्लाई और जानकारी जुटाई जा रही है, जिनके धरपकड़ की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चुनाव के लिए 1,000 जवानों का अतिरिक्त बल भी मांगा गया है, जिससे कि चुनाव के समय में जिले में पुलिस का इतना दबाव रहे कि असामाजिक तत्व किसी तरह चुनाव को प्रभावित करने की हिमाकत ना कर सके और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। आपको बता दें कि चुनावों के दौरान भारी संख्या में थानों में हथियार जमा कराए जाते हैं, लेकिन कई बार इन हथियारों का रखरखाव ठीक ढंग से नहीं किया जाता। नतीजन लाखों की बंदूकें या फिर उनके कलपुर्जे टूट जाते हैं, जो कि बड़ा नुकसान होता है। और इस लापरवाही के संबंध में जब पुलिस अधीक्षक से बात की गई तो एसपी चौहान ने माना कि इस तरह की शिकायतें उनके सामने आई हैं, लेकिन इस बार निर्देश दिए गए हैं कि हथियारों के रखरखाव पर ध्यान दिया जाए। इस बार सीधा जमीन पर न रखते हुए बंदूकों को गत्ते का बेस बनाकर ठीक से रखा जाए, जिससे कि उन्हें किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। इसके साथ ही लोगों से भी अपील कराई गई है कि वो अपने हथियार कवर में रखकर जमा कराएं। इसके साथ ही बंदूक या राइफल की नली में भी कुछ इस तरह की चीज लगाएं, जिससे उसमें धूल वगैरह न जा सके। किस तरह से पूरी व्यवस्था? देखिए, सर्वप्रथम तो जितने भी हमारे पास लाइसेंसधारी हथियार हैं, कलेक्टर साहब के आदेश के माध्यम से सभी लाइसेंस जो हैं वो वर्तमान में निलंबित हो चुके हैं और सभी हथियारों को जो है थाने पे जमा कराने के लिए निर्देश जारी हो गए हैं। इसमें पुलिस के माध्यम से भी जो थाने के लोग हैं वो विभिन्न जगहों पे जा जाकर अपना इसका हथियारों को अधिक से अधिक संख्या में जमा करा रहे हैं, ताकि निर्धारित समय अवधि में सभी शस्त्र जो हैं वो थानों पर जमा हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ एक अन्य समस्या जो है वो हमारी अवैध हथियारों को लेकर भी है। इसमें भी हम लोगों ने प्लानिंग की है और अभी वर्तमान में हम लोगों ने कई जगह नाके भी स्थापित किए हैं कि जिससे बाहर से कहीं से भी अवैध हथियारों की यहाँ पर तस्करी ना हो सके। और जो वर्तमान में लोकल में भी जो अभी हथियार यहाँ पर ज़िले में हैं तो उनकी भी हम लोग जानकारी जुटाकर कहाँ कहाँ पे वो हो सकते हैं, कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनके इनको होने की संभावना है, उनको आइडेंटिफाई करके उनके यहाँ भी इसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा हम लोग जो चुनाव के संबंध में जो बल वगैरह है उसमें हम लोगों ने एक्स्ट्रा बल की भी डिमांड की है, साथ में सशस्त्र बल की भी हम लोगों ने उसमें डिमांड की है, ताकि पुलिस का जो है वो चुनाव के समय ऐसा दबाव रहे कि कोई व्यक्ति घटनाक्रम किसी प्रकार का भी करने की हिम्मत ना जुटाए और जो चुनाव है वो पूर्ण रूप से शांति तरीके से हो जाए। तो हमारे यहाँ कितने लाइसेंसी हथियार हैं? हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास लाइसेंसी हथियार हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, उन्होंने हाल ही में एक पत्र लिखा था कलेक्टर को, जिसमें उन्होंने बताया था कि कई सारे युवा जो ऐसे हैं क्षेत्र के जो बाहर नौकरी कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड्स और अलग अलग क्षेत्रों में, वो अपनी बंदूकें अगर यहाँ जमा करते हैं तो फिर उनके लिए काफ़ी परेशानी हो सकती है, क्या इस पर भी विचार किया जा रहा है? नहीं, देखिए, ये हमेशा रहता है, जो ऐसे लोग हैं जो सेवारत हैं और किसी प्रकार की, जैसे उदाहरण के लिए आपके बैंक गार्ड्स होते हैं, इस तरह के व्यक्ति हैं, तो इनको एग्जेम्पशन देने का एक प्रोविज़न रहता है। ये कलेक्टर साहब के माध्यम से कलेक्टर साहब उसको एनालिसिस करते हैं। जो भी व्यक्ति अपने हथियार में किसी इस प्रकार से या स्वयं की सुरक्षा को लेकर या किसी भी अन्य वजह से अगर एग्जेम्पशन चाहता है तो वो कलेक्टर साहब को आवेदन दे सकता है और उसके आवेदन पर विचार करने के उपरांत जो है उसको वो छूट जो है वो वहाँ से प्रदान की जाती है। एक सवाल और है कि देखा जाता है कि थानों में जो हथियार जमा कराए जाते हैं बहुत आयात में होते हैं, ऐसे में उनके रखरखाव में बड़ी समस्या हो जाती है, कई जगह हथियार टूटने या चीज़ के लिए बन जाती है।
हाँ, ये समस्या कई बार आई है और इसमें कई बार लोगों ने शिकायत भी की है। इस बार हम लोगों ने सभी को निर्देशित किया है कि बजाय सीधा उनको ज़मीन पर रखने के, हम लोगों ने बताया है कि कुछ गत्ते या कार्टन का एक बेस बना के और उस पर हथियारों को रखा जाए और उनका प्रॉपर उसमें हम लोगों ने